सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरएसएस ब्लॉगर में। सो अभी का ब्लॉग मैं अभी दोपहर से कर रहा हूँ स्टार्ट। तो पहाड़ में फुल गर्मी स्टार्ट हो चुकी है और आजकल सरसों की फसल पक चुकी है और गेहूँ भी लगभग पक ही चुका है। गेहूँ जो हो गया और सरसों को आजकल काटा जा रहा है और अभी हमने भी काट लिया है, वहाँ सामने पे रखा है। तो आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ आजकल पहाड़ों में क्या क्या हो रहा है और खेतों में कौन कौन सी फसल उगी है और कौन कौन सी फसल बोई जा रही है। तो आप ब्लॉग में बने रहे। सो दोस्तों, सबसे पहले मौसम की बात करो तो मौसम ये आप देख सकते हो फुल गर्मी स्टार्ट हो चुकी है और धूप एकदम फर्स्ट क्लास वाली है। और यहाँ पे रखे हैं सरसों के पौधे जिनको कुल मिला के काट के सुखाया जाता है और अब इसको कूटा जाएगा और बीज अलग किया जाएगा। तो इसीलिए चौक कुल मिला के गोबर से एकदम घस रखा है और गोबर और मिट्टी से इनको कुल मिला के अच्छे से पुताई इनकी करती है करते हैं। आप देख सकते हो जो भी बीच में छेद रहते हैं कुल मिला के छेद या सुराख कुछ भी उनको कुल मिला के बंद किया जाता है। और उसके बाद हम इसकी सरसों की ये दह होगी इनको कूटा जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हो ये है गुलाब का फूल और इस बार इस पर बहुत ही गुलाब आए हैं। और साथ ही में यहाँ पे एक दूसरा भी फूल भी है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है गमलों पे। और अब ले चलता हूँ आपको मैं नीचे, तो आप ब्लॉग में बने रहे। और ये है माल्टी का पेड़, तो इस पर भी फूल आ चुके हैं ये आप देख सकते हो। और कुछ टाइम बाद इस पर फल लगेंगे। और इस बार हमारे ये नींबू है बड़ा वाला, तो इस पर भी फूल आ रखे हैं ये यहाँ पे देख सकते हो। बाकी की हो गया और यहाँ पे तो इस बार इस पर भी नींबू लगने वाले हैं। फर्स्ट टाइम इस पर नींबू लगेंगे, इससे पहले नहीं लगे थे। और पेड़ बहुत ही बड़ा हो चुका है और ये माल्टे का तो इस पर तो दो तीन बार लग चुके हैं, इस बार भी लगेंगे। और मैंने एक दो महीने पहले इनकी छटाई भी कर ली थी क्योंकि बहुत ही घना हो गया था तो हाइट नहीं दे रहा था, तो इसलिए हमने इसको काट दिया। बाकी ये यहाँ पे आप देख सकते हो यह सरसों के पौधे और कुल मिला के इनकी दह करने के लिए ये पूरे तरह रेडी हो चुके हैं। ये सूख चुके हैं और इसीलिए ये चौक है हमारा, तो इसको हमने गोबर और मिट्टी से अच्छे से घस रखा है। और इसके बाद सीधे सरसों के पौधों के कुल मिला के चौक में डालेंगे और उनको लट्ठे से कूटा जाएगा तो बीज अलग होगा। कुल मिला के जैसे धान हो, धान तो खेती में उसको हम पैरों से मानते हैं, मनाई करते हैं, और जैसे मंडवा हो गया और सारी चीज़ें उनकी कुल मिला के कूटा जाता है, तो वैसे ही ये सरसों भी हमने कूटना है। अब वो पक ही चुका है, कम से कम दो तीन दिन या एक हफ्ते बाद उनको कूटा जाएगा, इसीलिए चौक हमने घस रखा है। माने परसों नरसों शायद घस लिया था इसको और बस इसके बाद कूटा जाएगा। ये देखो वो जल भी आ चुका है स्कूल से। ये तो अभी घर पे मैं हूँ, तो मेरे किचन में खाना बना रहा हूँ। तो खाने में कुल मिला के चावल तो बन चुके हैं और साग बनाए मैं ये आलू और बड़ी की सब्जी और थोड़ा इसमें साग बना देंगे तो इस दिन कुल मिला के आज होने वाला है। तो आलू हो गया और बड़ी न्यूट्री तो इसी का हम बनाएंगे आज साग सब्जी। तो दोस्तों अभी रात हो चुकी है और मैं बाहर वाले किचन में मिट्टी वाले और यहाँ पे माँ कुल मिला के आटा गूंद रही है, तो अभी थोड़ा अंदर गई है और रोटी बनाते हैं। तो दोस्तों अभी नाइट हो चुकी है और अभी जाके हम घर आ रहे हैं कि आज कल थोड़ा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तो आने वाली है, तो उसके चक्कर में फिर से वही हो रहा है। सॉरी आप पहले कहूँगा क्योंकि फिर से सुबह अगर टाइम मिल रहा है तो फिर शाम को टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आजकल पूरा शेड्यूल हो रहा है बिजी वाला, क्योंकि शाम को भी थोड़ा तैयारी कर रहे हैं मॉर्निंग में भी, और जब टाइम मिल रहा है उस टाइम आपको ब्लॉग देखने को मिल रहा है। और आज भी सीधे दोपहर तक बन पाया, उसके बाद ऐसे ही हो गया और फिर सीधे नाइट को बनना है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और कुल मिला के जब ठीक ठाक मतलब हो जाएगा तो फिर आपको डेली व्लॉग और सब कुछ देखने को मिलेगा।
व्लॉग में, और अभी यहाँ से हो रहा तो इसलिए सॉरी। तो अभी आ चुके हैं घर और बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही है। और लास्ट में आपको यही कहूँगा कि अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलता है आपको फिर से, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।